हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा है, इतना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बाकी यानी सब्ट्रैक्शन। ये आपको 3000 प्लस क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी का है उससे हम आपको करवाने वाले हैं। जरा मैं पेन भी ले लूं ताकि मजा आ जाए। अच्छा, इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर पूछा गया है तो देख लीजिए किस तरीके के सवाल है इस टॉपिक में। ठीक है, देख लेना जरूरी है क्योंकि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आएगा। तो ये 2018 में भी पूछा गया था सवाल, देखिए कैसा है। इसको लोग बहुत हार्ड समझने लगते हैं लेकिन हार्ड होता नहीं है सवाल। सवाल क्या कहता है आपके सामने है, जरा एक बार मैं इसे पढ़ता हूं और आप सुनेंगे देखेंगे इसे। सवाल का कहना ये है भैया, सवाल ये कह रहा है कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी। उसकी माँ ने 30 रुपए दिए पर उसके भाई ने उसे 42 रुपए ले लिए। उसके पास कितने रुपए बचे? ठीक है, अब देखो ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं। सवाल कहता है कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपया मिला। 50 रुपया मिला मतलब उसके पास 50 आया तो ये प्लस में रहेगा। अब 15 रुपए की टॉफी खरीदी तब 15 को घट गया उससे, उसके पास घट गया 15। उसकी माँ ने 30 रुपए दिए तब माँ ने 30 रुपया दिया तब 30 प्लस कर दिए। उसके भाई ने उससे 42 रुपए ले लिए तब ले लिया तब 42 को फिर घटा दिए। अब बस अब इसको हल करते हो जाएगा, ये प्लस में है प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे 50 और 30 होता है 80। आ ये दोनों कर्जे है मतलब 15 गया था 42 गया था तब 42 15 होता है 57। नहीं, 5 और 2 5 और 2 7 4 और 1 5 यानी 57। 80 में से 57 जाएगा, 23 रुपया आएगा, यानी उसके पास अब जो बचा है कुल 23 रुपया बचा है। तो ऐसे सवाल आप देख लीजिए कि भाषा में पूछा जाएगा, तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, जैसे कहता है बस जोड़ घटाव करते जाना है। सवाल ये भी, सवाल में देखिए कैसे 392 माइनस 39.2 माइनस 3.92 माइनस 0.392 क्या होगा फिर घटाने जोड़ने के बाद। अब इसमें देख लो प्लस में कौन है, तो प्लस में केवल एक है 392, बाकी ये सारे माइनस में, तो सारे माइनस वाले एक जगह ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी आपका कर्जा है, ये भी कर्जा है, ये भी कर्जा है, तो टोटल कर्जा आपके पास कितना है, इसके लिए आपको सारे कर्जा को जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए दशमलव का जोड़ घटाव जो होता है, जैसे 39.2 है तो दशमलव को दशमलव के सामने 3 हो गया ये, और दशमलव अब 9, 9 के बाद 2 है। इसमें देखिए दशमलव जब देंगे दशमलव से पहले केवल 0 है और दशमलव के बाद है 3, 9, 2। आप जानते हैं बचपन से सीख चुके हैं सब जोड़ घटाव करना। देखिए ये 2 हो गया, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 11 3 कितना 14 14 हासिल वाला 1 15, 15 के 5 हासिल 1, 9 3 12 12 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 43.512। ये क्या हुआ, इन सब को मैंने एक साथ ऐड किया वो आया। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे क्योंकि ये सारे तो माइनस में है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये सारा कर्जा वाला हम एक साथ ऐड कर लिए थे, इसमें से घटा देंगे। किसमें से 392 में से हम घटा लेंगे 43.512। दोस्तों एक बात और, दशमलव यहां यहां भी दशमलव दे के दशमलव के बाद 0 बैठा सकते हो, उतना 0 दे लो जितना अंक इसमें है, आमने सामने सब हो जाएगा, घटाने में आसान लगेगा। तो इधर से पैंचा ले लेगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 ही बचा, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 9 में से 5 गया 4, ये बचा 1, 11 में से 3 गया 8, ये बचा 8 में से 4 गया 4, ये 3, 348.488, 348.488 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे मैंने माइनस वाले को एक जगह ऐड कर लिया, इतना आया उसको घटा लिया प्लस वाला में से। अगला सवाल देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा तो जरा ध्यान दीजिए। कहता है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यही है, इनको घटाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा है, तो जरा ध्यान देना। अब विकल्प का चयन करें मतलब चार गो ऑप्शन में से कौन होगा जो इसके जगह आएगा, इसका ये मतलब है। ये प्लस में है बाकी ये दोनों माइनस में, इसको एक साथ हम ऐड कर लेंगे 39.5 को, फिर 3.95 को,
दशमलव को दशमलव के सामने लिख देना है, 0.395, ठीक है। ये 5 हो गया, 9, 5, 14 के 4 हासिल 1, ये 9, 5, 14, 14, 3, 17 हासिल वाला 1, 18, 9, 3, 12 हासिल वाला 1, 13 के 3 हासिल 1, 3, 3 हासिल वाला 1, 4, 43.845। इसको घटाना हमें इसमें से, क्योंकि ये सारे माइनस में थे, सारे माइनस वाले को एक साथ किया, ये 395 में से घटाएंगे हम क्या, 43.845। याद रहे, यहां भी दशमलव देकर जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, 395 ही पढ़ा जाएगा। अब देखिए 10 में से 5 गया 5, इसको घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, ये अलग है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, ये 4 में से 3 गया 1, ये बचा 9 में से 4 गया 5, ये 3, 351.155, 351.155 आपका ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया, अगला सवाल देखिए, बड़ा सिंपल, कहता है 33.33, नहीं इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, दो गो प्लस में है, ई वाला एक साथ जोड़ लेते हैं 33.33 को, और फिर है आपका कितना 333.333, ऐसे है, इसको जोड़ेंगे एक साथ, ये 3 हो गया, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3,
बना लेंगे। तो इनको ऐड करोगे तो देखो दशमलव के बाद ये दो अंक, दशमलव के बाद ये दो अंक, तो ऐड होगा पहला अंक तीन तीन छह, इसके साथ ये ऐड होगा तो तीन आएगा, दशमलव आएगा तीन और जीरो तो तीन होगा। इसको घटाना होगा क्योंकि ये माइनस में है, यहां लिख के घटा देते हैं तो माइनस करेंगे कितना तीन दशमलव तीन छ। अब देख लो दशमलव को दशमलव के सामने लिख दिए, हमने क्या किया इसको और इसको एक साथ ऐड किया, दो अंक यहां भी था दो अंक इधर भी था, तो तीन आ तीन छ आया, तीन आ जीरो तीन आया, और फिर दशमलव के बाद तीन आ जीरो तीन आया। हम घटाएंगे तो घटाएंगे तो ये तीन जीव का त्यों उतर जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये तीन अंक में है यहां भी जीरो देके आप बना सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो आने से कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है संख्या के। तीन हो गया छ में से छ गया तो जीरो हो गया, छ में से तीन जाएगा तो तीन आ जाएगा, छ में से तीन गया तीन ये छ ये तीन, तीन सौ तिरसठ दशमलव तीन जीरो तीन, तीन सौ तिरसठ दशमलव तीन जीरो तीन आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल को, अगला सवाल को देखते हैं कि क्या कहता है अगला सवाल। नहीं है खत्म है, चार सवाल ही पूछा गया इसमें, ठीक है। तो आइए अब हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बहुत छोटा सा वीडियो था लेकिन आपको बता देना था एक घटाओ दशमलव वाला जोड़ घटाओ कैसे करना है, अब ऐसे सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। थैंक यू।